बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम के साथ काशन अली ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अताबाद लेक से रवाना हो गए पासू की तरफ और तकरीबन ये आधे से पौन घंटे का रास्ता है पासू का। ये पूरा रास्ता बुलंद बाला पहाड़ और ऊंची ऊंची चोटियों से भरा पड़ा है। इसके अंदर आका पोशी लेडी फिंगर पासू पोस उल्टर गोल्डन पीक डैरन पीक बहुत सारी यहाँ पे पीक्स हैं जो कि हुंजा की सौगात है। हुंजा के अंदर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पूरा एक सिलसिला है, उनको क्रॉस करते हुए हम पासू पहुँचे हैं और रास्ते में आप देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत ही लंबे लंबे कलरफुल दरख्त हैं। पासू पहुँचते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू पासू और उसी के उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ग्लेशियर नज़र आएगा, वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। पहले ये देखें पासू के बिल्कुल पीछे की तरफ सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कोल्स नज़र आएंगी बनी हुई, बहुत खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। ये देखें सामने क्या खूबसूरत माशाल्लाह मंजर है, इसको मैंने जूम आउट करके लिया है, कैमरे से फिर भी इतना कवर नहीं हो सकता जो आपने रियलिटी में देखते हैं। ये देखें सामने की तरफ ये है ग्लेशियर, तो मैं आपको अभी ड्रोन से भी फोटेज दिखाऊंगा जो कि तकरीबन 116 स्क्वायर किलोमीटर के है और इस पूरे रास्ते में खेत और बागात आपको भरे मिलेंगे जिसके अंदर सेब वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, आलू के बागात हैं और बंद गोभी है, कद्दू है और बहुत सारे यहाँ पे बागात हैं। साथ में सेब के अलावा यहाँ पे नाशपाती है और अंगूर हैं, इस तरह के काफ़ी यहाँ पे फल मौजूद हैं, सीज़न हर सीज़न के फल यहाँ पे मौजूद होते हैं और यहाँ के जो दरख्त हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, येलो डार्क येलो ग्रीन डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन, ये यहाँ पे बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। आप अभी देखिएगा पिक्चर्स लेने के लिए बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं, आप लोग फैमिली के साथ यहाँ पे आराम से विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। ये सारे लगेंगे एप्पल छोटे छोटे, एक तरफ से ग्रीन है, उस तरफ से ग्रीन है, उस तरफ से रेड हो रहे हैं, उस तरफ से रेड हो रहे हैं। अभी रुको पहले पूछना पड़ेगा ऐसे उधर पीछे, हाँ वहां भी चलते हैं उधर भी, वो नीचे गिरा हुआ भी है। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था तो बिला इजाजत हमने यहाँ से सेब नहीं तोड़े और हम आगे रवाना हो गए। हुसैनी ब्रिज के लिए जब हम रवाना हुए तो सामने एक पहाड़ पर बर्फबारी हो रही थी जो कि बिल्कुल वाजे नजर आ रहा था। हुसैनी ब्रिज हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम नीचे की तरफ नहीं गए क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस है, बच्चों के साथ आप नहीं जा सकते यहाँ पे, वैसे भी पाबंदी लगा दी है उसके ऊपर, वीडियोस वगैरह बनाने के लिए आप सब दूर से बना सकते हैं। हुसैनी ब्रिज के सामने यहाँ पे इसलिए नहीं गए, डेंजरस बहुत है तो इसलिए हम लोग गए नहीं, इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। कुछ फोटेजेस मैंने हुसैनी ब्रिज की इंटरनेट से एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापसी हुंजा होटल के लिए रवाना हो गए और कल हम विजिट करेंगे करीमाबाद बाज़ार और बल्तित फोर्ट। बल्तित फोर्ट की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ज़बरदस्त स्टोर है, बिल्कुल लाइक अब्दुल गाजी, उसका 1992 में एक कार्बन टेस्ट हुआ था जिसमें डिस्कवर हुआ था कि 800 से 850 साल पुराना किला है, एक फोर्ट है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक हमारे साथ गाइड भी था इसका, तो ये वाली वीडियो जो है आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा डे 6 की, इसमें बिल्कुल इसी तरह के नज़ारे दिखाए गए हैं जिस तरह के अतुल गाजी ड्रामे के अंदर दिखाए गए थे। तब तक के लिए सैयद काशान अली को काशान अली ब्लॉग से दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।